हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई डिश लेकर आया हूँ जिसका नाम है राज कचौड़ी। दोस्तों यार भाई बहुत बढ़िया डिश है। दोस्तों आप इसे आराम से घर में बना सकते हैं। चटोरी डिश है, बिल्कुल रेस्टोरेंट में फेमस है, अग्रवाल वगैरह में दिल्ली में बहुत फेमस है। और इसे आप आसानी के साथ घर में बनाइए और दोस्तों को खिलाइए। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं राज कचौड़ी। तो दोस्तों हमें जो राज कचौड़ी की पूड़ी होती है उसको हमें बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। हमने 250 ग्राम सूजी लिया है दोस्तों। 100 ग्राम मैदा लेना है और इसे गुनगुने पानी से गूंथना है। पानी ज़्यादा गर्म ना हो, ना ज़्यादा ठंडा हो, गुनगुना होना चाहिए। और इसे हल्के हाथों से इसे गूंथना है। इसे मिला लीजिए अच्छी तरह से। इतना से मिला लीजिए दोस्तों। अब मेरा आटा ये गूंथ चुका है। अब इसमें कपड़े से इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है जो राज कचौड़ी की जो स्टफिंग करनी है हमें, उसके लिए हमें बेसन चाहिए। तो दोस्तों बेसन लिया है 4 चम्मच। इसमें हल्का सा सोडा डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर आपको सोडा डालना है। सोडा फुलाने के लिए चाहिए हमें। फिर वही मेथड जो हमने सूजी और मैदे को किया था, सेम इसको भी करना है। गुनगुने पानी से हल्के हाथों से गूंथना है। तो ये हमने अब इसको भी हमें कपड़े के उसी के साथ ही रख देना है। अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। तो दोस्तों अब इसको हम स्टफिंग करेंगे। दोनों हमने साथ में रखा था। 20 मिनट के लिए इसको हम गूंथ के रखना है हमें। 20 मिनट बाद इसको हम छोटे छोटे इसके पेड़े तोड़ेंगे। अब इसको इसके अंदर इसको हल्का सा इसको मैश दबा लेंगे स्टफिंग करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे ही मोल्ड करना है, इसको ऐसे ही बंद करना है ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए और जब आप बेलेंगे तो रोलिंग हो जाए। तो दोस्तों ये बन के अब तैयार है। तो इसे आप हम 20 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, तब उसके बाद फ्राई करेंगे। बोलिए, हमने पहले ही तोड़ दी थी दोस्तों। अब इसको बेलते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बेलना है। तेल हमने ऑलरेडी गरम कर लिया है, इसे फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों वैसे ही भुननी चाहिए। ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालना है ताकि अच्छी तरह से भून जाए। तो दोस्तों जैसे कि अग्रवाल वगैरह में, अग्रवाल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें कैसे बनाते हैं राज कचौड़ी, दोस्तों हम बताते हैं। अभी राज कचौड़ी हमने हल्की से ब्रेक कर दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे पोटैटो। इसके अंदर हमने थोड़ा सा बीन स्प्राउट ऐड किया है। अब दोस्तों इसके अंदर डालेंगे भल्ला, एक भल्ला बनाना है। तो इसके अंदर डाल दिया हमने भल्ला। 2 से 3 पापड़ी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पापड़ी डाल दी हमने। थोड़ी सी लाल मिर्ची चुटकी भर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसके अंदर दोस्तों डालेंगे मिर्च चटनी, सोट चटनी, ये फलाफल भेल जो 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाती है मार्केट में, हमने ये डाल दिया है। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से इसको डालेंगे। फिर थोड़ी सी चटनी और डाल देंगे, थोड़ी सी सोंठ चटनी और। अब बहुत सारी दही डालेंगे इसके अंदर। देखिए दोस्तों मुँह मेरे तो अभी से मुँह में पानी आ गया।
मेरी फेवरेट डिश है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, राज कचौड़ी मेरे हाथों में आ गई और बहुत ही बढ़िया डिश है, मुझे मेरी फेवरेट डिश है राज कचौड़ी। तो दोस्तों प्लीज़, अगर ये आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।